हिसार के अग्रोहा धाम में पूर्णिमा के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी देवी की आराधना की गई। इस दौरान छप्पन भोग प्रसाद और भंडारे का भी आयोजन हुआ। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा, अग्रोहा विकास ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक और राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा से विचार कर अग्रोहा धाम वैश्य समाज के प्रतिनिधियों की 21 सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री और पर्यटन मंत्री से बातचीत हुई है। इस मुलाकात में अग्रोहा को रेल लाइन से जोड़ने और अग्रोहा के टीलों की खुदाई का काम जल्द शुरू करने की भी मांग रखी गई है। आज जो वैश्य समाज की मीटिंग भी हुई, उसमें अग्रोहा के विकास के लिए अग्रोहा धाम के सुंदरीकरण के ऊपर गंभीरता से विचार किया गया। पिछले दिनों अग्रोहा को रेल लाइन से जोड़ने के लिए और अग्रोहा के अंदर जो टिल्ले हैं उसकी खुदाई के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के नेतृत्व के अंदर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी और हमें उम्मीद है जल्द ही अग्रोहा के अंदर अग्रोहा को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। पानीपत के इसराना कस्बे के लक्ष्मीनगर में 52 साल के शख्स ने फाइनेंसर से तंग आकर अपने ही लाइसेंस से पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाकर आरोपियों के नाम बताए और सुसाइड नोट भी लिखा। सभी आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कैद हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जो हम मौके पहुंचे तो मौके पर चला भाई, इसने इसके लड़के ने पैसे ले रखे थे किसी से और वो इसके घर पैसे मांगने के लिए आए थे और दबाव दे रखा था पैसे मांगने का काफ़ी। इसने उन पैसे के चक्कर में सुसाइड कर लिया, जिसमें 5-6 आदमी है वो जिन्होंने उसको दाब दे रखे पैसे लेने के लिए और उसके और हमने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। तब तफ्तीश जारी है। ये पैसे का मामला था सर, जो लड़का मांग रहा था पहले तो